आज मैं उन तमाम तथ्यों को आप सबों के बीच रखूंगा जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मेरा देश जो है वो बिल्कुल बदल रहा है। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले उस शब्द से कि दोगला एक संवैधानिक शब्द है और इसका प्रयोग करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए और लोगों को शायद कहना चाहिए। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि दोगला एक संवैधानिक शब्द है। अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक और शब्द पाते हैं। हम वो शब्द पाते हैं कि जो भारत में रह के जय श्री राम नहीं कहेंगे तो उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। और विपक्ष से एक मुद्दा आता है, विपक्ष से एक शब्द आता है उठ के कि वीजा मंत्री हैं। ये केंद्रीय मंत्री कम और वीजा मंत्री अधिक हैं। इससे थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो बात हम करते हैं कि बेगूसराय के सांसद और भारत सरकार के बेबाक अंदाज में विपक्ष पर हमला करने वाले गद्दावर केंद्रीय मंत्री, ये अपने संसदीय क्षेत्र में वहां के जनता को संबोधित कर रहे थे और कहते कहते इन्होंने इस अंदाज में कि पहले आप भी सुन लीजिए उसके बाद कुछ कहिएगा। मनोबल को ऊंचा रखिए, हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दुह बांस से लेकर मारो न नहीं सुने। अब ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि अधिकारी आपका काम नहीं करे तो बांस उठाइए, बांस डंटा, और उनके सर पे दे मारिए, उनका सर फूट जाए। ए साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको, बस इसी बिहार की एक घटना याद दिलाता हूं, बस कुछ दिनों के पहले की बात है, जहां हम कहें तो क्या आनंद मोहन, आपने एक नाम सुना होगा, क्या चार्ज था उसके ऊपर, क्यों वो आज भी जेल में बंद है, क्यों उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की गई। अब मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि विधि कानून के अंदर जो व्यवस्थाएं की गई है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, इन सभी शब्दों से अपमानित नहीं करना चाहिए, और फिर हम ये कहें कि सबसे जो बड़ी बात होती है कि यदि कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता है जिसके कारण विधि व्यवस्था, मैं दोहरा रहा हूं शब्द का, कि भड़काऊ भाषण के बाद जब विधि व्यवस्था अनियंत्रित हो जाए तो वहां प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है, बरबस बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारियों को लगाया जाता है ताकि वो विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से नियंत्रित कर सके। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री खुले मंच से कहते हैं कि अधिकारियों के सर पे डंडा मारिए, क्या ये भड़काऊ भाषण की श्रेणी में नहीं आता? हो सकता है नहीं आए, क्यों? क्योंकि ये आम लोग नहीं है, ये केंद्रीय मंत्री है और इन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिलती है, इन्हें डेढ़ सुरक्षा मिलती है, और जब ये अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं तो वहां उस जिले के पुलिस कप्तान के द्वारा इन्हें विशेष सुरक्षा मुहैया करवाया जाता है, और फिर इन ये बोलते बोलते इतना बोल जाते हैं। अब मैं ये भी यहां से सवाल मेरे मन में उठ रहा है, मैं यहां से ये सवाल भी पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए अधिकारी, किसी अधिकारी को, चाहे वो निम्न वर्ग के हो या उच्च वर्ग के हो, उनके सामने मैंने अपना आवेदन दिया, उन्होंने मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात को मानता भी हूं कि यदि अधिकारी काम नहीं करते हैं तो उन्हें डंटा से मारना चाहिए, सर फोड़ देना चाहिए, अपमानित करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं केंद्रीय मंत्री के शब्दों में, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ए साहब आप लोग बारात जरूर जाते होंगे और बारात में एक सदाबहार गीत है, मैं आज उसकी चर्चा करूं कि उस सदाबहार गीत में हर बाराती जब झूमने लगता है तो कहता है ये गीत बजाइए, झीमी झीमी आजा आजा। मैं इसलिए इस शब्द को कह रहा हूं कि बेगूसराय के पूर्व सांसद स्वर्गीय भोला सिंह, उन्होंने जिस काम को सदन से पास करवाया या जिस काम के पास होने के बाद बेगूसराय में मिठाइयां बांटी गई, बेगूसराय के लोगों में जश्न मनाए गए, लेकिन आज हम कहें तो 5 वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बाद वह काम बेगूसराय में धरातल पे नहीं दिख रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? है कोई रोड मैप? यदि अधिकारी काम नहीं करे तो उन्हें डंडा से मारना चाहिए, सर फोड़ देना चाहिए, लेकिन यदि कोई वो व्यक्ति जो वोट से जीत कर जाए और वो काम नहीं करे, केवल झुनझुना दिखाते रहे, केवल आश्वासन देते रहे, तो वहां की वैसे जनप्रतिनिधि को वहां की जनता क्या करे? अब हालांकि मेरा ये सवाल जो है काफी उल्टा पलटा है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कितने दिनों तक हम ये कह के निकल जाएंगे कि मोदी है तो मुमकिन है और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तेज रफ्तार, सारी बातें ठीक है, लेकिन सर हमें बताएंगे आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो डाटा हमें बताए कि जब से चाहे नरेंद्र मोदी 1 की सरकार हो या मोदी 2 की सरकार हो, बेगूसराय के सांसद हर बार यहां से भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए, लेकिन बेगूसराय को मिला क्या बताएंगे? एक हर्ल, ए साहब एक हर्ल को, वो भी नई व्यवस्थित नहीं की गई है, फिर से चालू किया गया, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, पुनरुद्धार किया जा रहा है। हालांकि हम ये भला जानना चाहते हैं कि क्या
बस इतना सा दायित्व, इतनी सी जिम्मेदारी और इतनी जवाबदेही रह गई है बेगूसराय का। क्या बेगूसराय, पूरे बेगूसराय जिला का संसद में बस इतनी ही भागीदारी है कि एक हर्ल के नाम पर बार बार हम गुणगान करते रहे? मेरा प्रश्न एक बार फिर है, यदि अधिकारियों का सर फोड़ देना चाहिए, यदि दोगला संवैधानिक शब्द है, तो फिर उन जनप्रतिनिधियों का क्या करना चाहिए जो इस तरह के बयान दिया करते हैं, जिससे कि विधि व्यवस्था का प्रश्न सामने खड़ा हो जाए, विधि व्यवस्था के सामने उतना बड़ा प्रश्न हो जाए कि लोग इसका शिकार होने लगे, अधिकारी इसका शिकार होने लगे, और तब शायद हम यही फिर खड़े होकर पूछेंगे कि उन लोगों की क्या जिम्मेदारी और जवाबदेही बन जाएगी जो लोग कुछ बचे हुए हैं या ये जनाब आपको वोट देकर यहां से भेजते हैं। मेरा ये तमाम प्रश्न बना रहेगा और मैं चाहता हूं कि आज हमें जवाब मिले। हालांकि हमें यह पता है, क्योंकि मैंने पहला जब वीडियो अपलोड किया था तो कुछ अच्छे लोगों का फोन हमें आया था, वो लोग हमें अच्छे अच्छे शब्दों में कह रहे थे, मैं उनका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रहिए हमारे साथ। और एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमें YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें वहां सब्सक्राइब कर लेंगे, आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करेंगे, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें, हमारा वेबसाइट है www.theuniquenews.com, आप हमें वहां भी संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही आप यदि चाहते हैं कि हम इसी तरह का बेबाकी शब्द आपको आपके हित की कहते रहे, तो आप अपना मुद्दा हम तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।